हेमंत सोरेन को मिलेगी आज गुड न्यूज। सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। अंतरिम जमानत को लेकर अहम दिन। 10 मई 2024 की दोपहर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी राहत दी थी। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में ईडी की हिरासत में चल रहे केजरीवाल को सियासी तौर पर तो कुछ राहत जरूर मिल गई है, लेकिन झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धन शोधन घोटाले के मामले में ईडी की गिरफ्तारी में हैं। इस बीच आज सोमवार 13 मई का दिन हेमंत सोरेन के लिए अहम रहने वाला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट आज सोरेन की याचिका पर अहम सुनवाई करेगा। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी गिरफ्तारी को सही बताते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगी। दरअसल रांची हाईकोर्ट ने 3 मई को फैसला सुनाते हुए कहा था कि ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। सोरेन ने इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सोरेन ने अंतरिम जमानत याचिका पर जल्द फैसला देने की मांग की थी। ऐसे में इस मामले को लेकर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हाईकोर्ट अपनी याचिका पर फैसला सुना चुका है, इसलिए ये अर्जी प्रभावहीन हो चुकी है। वहीं बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन के घोटाले से जुड़े मामले में सोरेन की ओर से दाखिल नियमित जमानत अर्जी पर पीएमएलए कोर्ट आज आदेश सुनाएगी। पीएमएलए कोर्ट ने 4 मई को याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामले में दोनों पक्षों से लिखित जवाब दाखिल किया जा चुका है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोप के बाद 31 जनवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद गिरफ्तार किया गया था। सोरेन पर जो आरोप लगे हैं उनमें घोटाले से अर्जित आय का संदिग्ध मनी ट्रांजैक्शन से जुड़ा होना, गलत तरीके से हासिल की गई जमीनों पर परिवार और करीबियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण होने के साथ ही जांच अधिकारियों के सवालों का सीधे जवाब न देना समेत मुख्य आरोपी प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल और तत्कालीन डीसी छवि रंजन के साथ सोरेन के संबंध होने के साथ ही अन्य कई आरोप भी हैं। इन दिनों देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन फिलहाल जेल में हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन भी चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आना चाहते हैं। इसी को देखते हुए हेमंत सोरेन ने चुनावी प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। बहरहाल देखना होगा कि क्या हेमंत सोरेन को कोर्ट से कोई बड़ी राहत मिलती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।